अगर आज आपकी एक जरूरत है तो प्रभु के पास भी एक वचन है। अगर आपके पास एक पहाड़ है तो प्रभु के पास भी वचन है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो प्रभु के पास एक वचन है। अगर आपके जीवन में बाधा है तो प्रभु के पास एक वादा है। सवाल है, आपको क्या याद है? लोगों को जरूरत याद रहती है, वचन याद नहीं रहता। लोगों को तकलीफ याद रहती है, वादा याद नहीं रहता। और जो आपको याद है उसी पे आप मनन करते हैं। जिस पे आप मनन करते हैं उसी को आप खाते हैं। और इसलिए आपके सुनने की क्वालिटी डिटरमाइन करेगी आप लाइफ में कहां जाते हैं। एक ही वचन है, सब सुन रहे हैं, कोई यहां किसी से बेहतर नहीं। सबके पास एक ही मौका है, वही एक विश्वास का वचन दो हफ्ते से बट रहा है, लेकिन सबका एक जैसा सुनना नहीं है। तुम जैसे सुनते हो वही निर्धारित करेगा तुम कैसे चलते हो। क्वेश्चन ये नहीं कि मेरी समस्या क्या है, क्वेश्चन ये है परमेश्वर क्या बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं डर मत, डर मत, खाली सिर्फ विश्वास कर। परमेश्वर के दिल में क्या है कि मैं आदमी को ब्लेस करना चाहता हूं, लेकिन इसको मेरे टर्म्स एक्सेप्टेड नहीं है। ये मेरे पास आएगा अपने टर्म्स से। तो जब हम अप्रोच करेंगे गॉड को, हमको उसके टर्म्स में आना है। बहुत मुश्किल है क्योंकि हम ऐसी मूवी देख के बड़े हुए, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, इससे प्रेयर में मुंह खुलता नहीं है। और इसलिए वो विश्वासी दुआ कैसे करेगा जिसको वचन नहीं मालूम। क्या मांगोगे प्रभु, कहां लिखा है? और अगर तुमको प्रोमिसेस मालूम है तुम पकड़ के दुआ कर सकते हो। तूने कहा है अपने वचन, हां अब तुम मेरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। अब सोचिए, एक मिनट सोचिए, यीशु के चेले 3 साल तक उसके साथ है। उन्होंने मरे हुए को उठते देखा, ठीक है, कोड़ी को चंगा होते देखा, लंगड़े को चलते देखा, अंधे को आंख मिलते देखी, बहरे को कान मिलते देखा, लोगों को नया जीवन मिलते देखा, फिर भी वह डर के भाग गए। क्यों? क्योंकि देखने से विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, सुनने से। इसलिए यीशु उठने के बाद 40 दिन तक उनको वचन समझाते रहे। आज गहरी बात है तो समझ जाए, सिर्फ उसी का है। 40 दिन तक उन्हें वो पवित्र शास्त्र से समझाते रहे। आमीन। क्योंकि उन्हें वर्ड देख लिया लेकिन वर्ड समझा नहीं। प्रभु चाहते हैं हम वचन समझ जाए और हमारे अंदर की आंखें खुल जाए। तो सबसे बड़ा नाश का कारण क्या है? मेरे लोग अज्ञानता के कारण उनका नाश होता है। कभी नहीं प्रभु ने बोला शैतान के कारण उनका नाश होता है। क्योंकि एक ऐसा विश्वासी जिसके अंदर की आंखें खुली हुई हैं और जो परमेश्वर के ज्ञान से भरा है, शैतान ऐसे व्यक्ति से लड़ तो सकता है जीत नहीं सकता है। मतलब तुम्हारे अंदर का आदमी अनजान ना रहे, तुम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाओ और तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाए। क्या तुम मांग सकते हो? अगर तुमको नहीं मानो, परमेश्वर चाहता तुम मांगो। लेकिन अगर परमेश्वर बोलते मांगो और दिया जाएगा तो क्या तुम्हारे हाथ विश्वास से उठने नहीं चाहिए? गॉड ने खुद बोला मांगो और दिया जाएगा। और इसीलिए वो वचन क्या जो लोगों को सोचने पे मजबूर ना करे? और वो आशीष ही क्या मिली अगर आपने कुछ सुना और आप सोचने में मजबूर नहीं हो गए? मैं बोलता हूं आशीष तो उसी में है कि अगर आज मैंने कुछ बोला है आप सोचने बगैर मजबूर हो गए। क्योंकि जो वचन अंदर गया है आप उस पर मनन कर रहे हैं। इसलिए लोग अपनी परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं।
लोग अपनी बीमारी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग अपनी घटी कमी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग अपने पापों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो यीशु की चंगाई को नहीं जानते हैं, वो यीशु के सामर्थ को नहीं जानते हैं। तो जितनी घनिष्ठता आपकी तकलीफों के साथ है, उतने ही करीबी से अगर आप जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें डर मत, बोले प्रभु हमको तो डर की आदत है, हम तो बिना डरे कुछ करते ही नहीं है, हमारा नाम ही डरपोक है, हम अंधेरे से डरते हैं, जो हो रहा उससे डरते हैं, कल जो होगा उससे डरते हैं, जो नहीं हुआ हमको लगता हो जाएगा हम उससे डरते हैं, आप आ रहे हैं हमको उससे भी डर लग रहा है, हम मरने वाले हमको उससे डर लगता है, हम तो डर के जीते हैं। आज यहां कोई डर के जीता मतलब तुम्हारे अंदर दुनिया की आत्मा है, क्योंकि प्रभु ने डर की आत्मा किसी को नहीं दी, और तुम डर के साथ गॉड को अप्रोच नहीं कर सकते। सुनो, इसीलिए कुछ लोग अपने जीवन में आशीष नहीं देख रहे, क्योंकि डर के जीना विश्वास नहीं है। तुमको परमेश्वर के सामने उसके टर्म्स में आना पड़ेगा। लेकिन आज के समय, आज के दिन, इस वर्तमान में अगर आपकी कोई जरूरत है, प्रभु बोले डर मत, सिर्फ विश्वास कर। डर तुम्हारे जीवन से निकल जाए, बिकॉज डर और विश्वास का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाय कल मेरा क्या होगा सोच के अगर आप सोचते हैं कल परमेश्वर आपके आशीष दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। और सोचिए एक वो सिचुएशन जब खराब होती है, दिमाग पे उसका क्या असर होता है, हाय कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे खाएंगे, जरूरत कैसे पूरी होगी, कैसे ठीक होगा। क्या आप इस पीढ़ी के वो लोग बनना चाहते हैं, फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ होली गोस्ट, वो लोग जो बिल्कुल निर्भय हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ईमान परमेश्वर के वचन पे डाल दिया।